हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ NIT कैलकुट MBA के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आपको उसमें टाइप करना है NIT कैलकट MBA 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको NIT कैलकट से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है NIT कैलकट MBA 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए एंड देन आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स एज क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया ऐसा जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, यहाँ पे दिया गया क्लिक हियर टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स, आप क्लिक करेंगे। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे एंड देन यहाँ पर दिया गया इस आर्टिकल्स में जो है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया रहता है, आपको किस तरह से फिल करना है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपको मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपकी उसके बारे में दिया रहता है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई भी आप क्लिक करेंगे। देन आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी एंड अपना पासवर्ड टाइप करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना होता है। बट अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी डालना है। देन यहाँ पे पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, देन यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर एंड देन रजिस्टर करना है। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, फिर हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। देन उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे वेरीफाई ईमेल आएगा, देन आपको उस पर क्लिक करना होगा। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे एंड देन यहाँ पर आपको अपना एडमिशन कैटेगरी बतानी है एंड आपको यहाँ पे कैंड डिटेल्स डालने, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, परसेंटाइल, फिर आप स्कोर बताना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आपको अपना नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, देन जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डोमिसाइल, फिर नेशनलिटी एंड ब्लड ग्रुप बतानी है एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, एनुअल इनकम, रिलेशन, कास्ट, कैटेगरी, फिजिकली हैंडीकैप। देन यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे इसमें परमानेंट एड्रेस बतानी है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर। देन यहाँ पे मेसलियस डिटेल्स डालने इसमें यहाँ पर एंड आपको सेव पे क्लिक करना है। देन आपको आपने आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी जिसमें आपको अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी एंड देन यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट्स, अपलोड फोटो, एप्लीकेशन फ़ीस, आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको ऑनलाइन देना होता है एंड उसके बाद आपको जो है अपना